हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेसर। आई हैव मेड वीडियोस ऑन क्लास 12 मैथ्स एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल प्रिपेयर वीडियोस फॉर क्लास 11 स्टूडेंट। सो टुडे विल स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो डोंट मेमोराइज मैथ्स बट मेमोराइज द फॉर्मूले एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट यू विल फॉल इन लव विद मैथ्स। So let's begin our class. So today's class is chapter number 3, trigonometric function. Trigonometry दो word से बना हुआ है, that is trigon, matron, और इसका meaning होता है measuring of side of triangle. So यहाँ पे angle हम देखते हैं, angle दो type के हो सकते हैं, एक positive angle और एक negative angle. Positive angle अगर हम ये draw करते हैं, ये angle हमने draw किया, और अगर हम measure करेंगे यहाँ से लेके anti-clockwise measure करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, और अगर हम कोई भी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव एंगल होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। एसआई यूनिट जो एंगल का है वो हमेशा रेडियन है, और हमारी कोशिश रहेगी रेडियन में ही कन्वर्ट करने की। सो याद रखेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियरली एक्स रेडियन, कोई भी दूसरा रेडियन फाइंड आउट करना है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें लिखना है 180 अपॉन पाई इंटू एक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 रेडियन या फिर कोई भी चीज़, तो 30 रेडियन को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो लिखेंगे 180 अपॉन पाई इंटू 30 डिग्री, सॉल्व करके लिखेंगे। नाउ इसका उल्टा x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स रेडियन। इसका मतलब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें करना है पाई अपॉन 180 इंटू 30। सो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 30 बाय 180 को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमें मिलेगा पाई अपॉन 6 रेडियन। सिमिलरली 45 को अगर वैसे लिखते हैं तो पाई अपॉन 180 इंटू 45। सो 45 फोर जा 180, तो ये हमें मिलेगा पाई बाई 4 रेडियन। सिमिलरली बाकी सब भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली हम क्लास 10 में डिग्री में ही लिखते थे, और यहाँ पे लेंथ में हम लोग रेडियन में कोशिश करेंगे। तो 30 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 6 रेडियन आ गया। 45 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4। सिमिलरली 60 को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 3। 90 को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2। 180 को सॉल्व करेंगे तो पाए। जनरली ये हमें याद रख, सम कन्वर्जन मेजर है और उससे छोटे छोटे मेजर जो है वो है मिनट और सेकंड। तो अगर हमें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 डिवाइड करेंगे। सो बेटर याद रखने के लिए मैंने लिखा है डिग्री मिनट सेकेंड, ये बड़ा फिर छोटा, छोटा यूनिट। तो बड़े से छोटे यूनिट जाना है तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60। इसका उल्टा ऑपोजिट, छोटे से बड़े में जाना है, सेकेंड टू मिनट जाना है तो डिवाइडेड बाय 60, मिनट टू डिग्री में जाना है तो डिवाइडेड बाय 60। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, सेकंड के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। सो इस तरह के क्वेश्चन को पहले हमें ये जो मिनट में दिया है उसको पहले हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मतलब उल्टा जा रहे हैं तो 60 डिवाइड करेंगे। सो 20 अपॉन 60 मिनट में ही डिवाइड करेंगे तो 20 अपॉन 60 डिवाइड करते हैं तो 1/3 आ जाता है। तो ये मिक्स्ड हो गया, मिक्स्ड को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 40 × 3 + 1। 40 × 3 दैट इज 120 प्लस 1 दैट इज 121 अपॉन 3 डिग्री। अब ये हो गया हमारा डिग्री, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसी को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो वैसे ही रहने देंगे। तो ये नहीं कट रहा है तो बेटर हम वैसे ही लिख देते हैं 121
पाई अपॉन 3 × 18, दैट इज 5। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम खुद ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे लिख दिया -47 30 मिनट, तो उसी तरह ही करते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट, उसको लिखेंगे, माइनस को बाहर रख देंगे, 47 30 अपॉन 60 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें मिनट मतलब छोटा, डिग्री मतलब बड़ा, उससे कन्वर्ट करना है, तो 60 डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल आउट होकर हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास मिला -47 हाफ डिग्री। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 47 2 = 94 + 1, दैट इज -95 अपॉन 2 डिग्री, तो ये हमें डिग्री में मिल गया। अब उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे, सो -95 अपॉन 2 डिग्री इज इक्वल टू -95 अपॉन 2 × π/180 रेडियन। तो यहाँ पे अगर रिड्यूस हो रहा है तो काट देंगे, तो यहाँ पे 5 19 जार, यहाँ पे 5 3 जार 15, और 3 5 6 जार, तो 19 अपॉन 72 π, 19 π/72, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, कन्वर्ट 6 रेडियन × डिग्री, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन π मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा करेंगे इसका उल्टा, तो 6 रेडियन इज इक्वल टू हम लिखेंगे 180 अपॉन π × 6 डिग्री। तो यहाँ पे 180 अपॉन π की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 22 अपॉन 7 × 6। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है पूरा सॉल्व करने के बाद, दैट इज 180 × 6 करते हैं, पूरा फाइनल आंसर आ जाता है हमारा 3780 अपॉन 11, काट के रिड्यूस करके, दैट इज 11 2 जार, 11 11 जार एंड 2 3 जार, सॉल्व करने के बाद ये हमें मिला। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ हमें मिल जाएगा 11 3 जार 33, तो बचा 4 44, 11 4 जार 44, 8 मतलब 4 बचा, फिर 11 3 जार 33, तो 7 बच जाएगा, 7 अपॉन। अब ये फ्रैक्शन में है, तो इसको भी हमें और छोटे में ले जाना है, तो क्लियर कट है कि ये हो गया है 343 डिग्री। ये डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 60 अपॉन 11 मिनट, तो ये हो जाए हमारा 343, 7 6 जार 42, दैट इज़ 420 अपॉन 11 मिनट। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमें मिलता है 343 डिग्री, इसे सॉल्व करते हैं, तो 11 3 जार 33 90, तो 11 8 जार 88, तो बचेगा 2, ये मिनट हो गया, और बचा 2 अपॉन 11, ये हमारा हो गया है सेकेंड, मिनट है ये भी मिनट है, इसको भी सॉल्व करना है, तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया फाइनल 343 डिग्री 38 मिनट × 60, तो 2 × 60 दैट इज़ 120 अपॉन 11, तो 343 डिग्री 38 मिनट, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 11 1 जार 11, 10 बचता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 जार, तो ये हो गया सेकंड, दिस इज़ आवर फाइनल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू हैव नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू।